पाकिस्तान की टीम T20 विश्व कप से बाहर आ चुकी है। बता दें कि पाकिस्तान ने 4 ग्रुप मैच खेले थे जिसमें उन्होंने 2 में जीत हासिल की थी और 2 में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बीच बाबर T20 विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाने वाले कप्तान बन गए हैं। नेक्स्ट, दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर राजनीति में सरगर्मी तेज हो चुकी है। राजनीतिक चरम सीमा पर पहुंच गई है। आए दिन आम पार्टी की दिल्ली सरकार और बीजेपी के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस बीच पानी के संकट को लेकर बीजेपी अब काफी आक्रोश में नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब यह पहली बार ईवीएम पर विवाद नहीं हुआ, लेकिन दुनिया के अमीर व्यक्तियों में एक बेशुमार एलन मस्क ने इसको लेकर एक नया विवाद छेड़ दिया है। उन्होंने एवं को लेकर ऐसा ट्वीट किया है कि हर तरफ खलबली मच गई है। एलन मस्क ने ट्वीट के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है, भले ही वह नेटवर्क से कनेक्ट हो या ना हो। ईद अल अजहा यानी बकरीद के मौके पर रायसेन जिला के उदयपुर क्षेत्र में तहसीलदार आस्था चराड, थाना प्रभारी TIBP सेंगर एवं सभी ग्राम चौकीदार उपस्थित रहे। इस दौरान शहर में वाहनों की आवाजाही एवं नियंत्रण के लिए आला अधिकारी पूर्ण रूप से सहयोग करते नजर आए। इधर ईद अल अजहा के मौके पर सभी ने मस्जिदों एवं ईदगाहों में नमाज अदा कर एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। एयर इंडिया की बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट सैन फ्रांसिस्को में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। इस फ्लाइट में एक यात्री को अपने खाने में ब्लेड मिला। बता दें कि यह घटना 9 जून की है। हालांकि मामला सामने आने के बाद एयर इंडिया ने अपनी गलती मानी। उनका कहना है कि ब्लेड फूड प्रोसेसिंग यूनिट का है। बांग्लादेश ने दमदार प्रदर्शन करते हुए नेपाल को 21 रनों से हरा दिया है। उसने इस जीत के साथ ही T20 विश्व कप 2024 के सुपर 8 में जगह बना लिया। बांग्लादेश ने सोमवार को खेले गए इस मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए 107 रनों का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में नेपाल की टीम 85 रन ही बना सकी। बांग्लादेश के लिए घातक गेंदबाजी करते हुए तंजीम हसन शाकिब ने 4 विकेट झटके। नेपाल के लिए कुशल मल्ला ने 27 रन बनाए। टीवी के पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का नाम तो आप सभी ने जरूर सुना होगा। आप में से बहुत ऐसे होंगे जो हर रोज इस शो को देखते होंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा बीते 15 सालों से टीवी पर चल रहा है। कभी इसकी TRP नीचे गिरती है तो कभी ऊपर जाती है, लेकिन शो लगातार लोगों को हंसाता आ रहा है। लेकिन इस शो में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहते हैं वह है चंपकलाल यानी अमृत भट्ट। बता दें कि उनको लेकर यह खबरें आई हैं कि वह चेन स्मोकर हैं। झारखंड के लोग गर्मी से अब पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं और बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मानसून झारखंड में दस्तक देने में इतनी देर कर रही है कि लोग अब गर्मी की वजह से त्राहिमाम करने लगे हैं। बता दें कि राज्य में भीषण गर्मी और मानसून में देरी के कारण बारिश में 54% की कमी आ चुकी है। मौसम विभाग की माने तो मानसून अब झारखंड में 19 जून तक दस्तक दे सकती है। बता दें कि मानसून अभी पश्चिम बंगाल के पर्वतीय हिस्से में ठहरा हुआ है और वह बिहार से होते हुए साहिबगंज के रास्ते झारखंड में प्रवेश करेगी, जिसमें 2 से 3 दिनों का वक्त लग सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर मध्य प्रदेश सरकार ने हरित क्रांति के तहत 5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने की मिशन तैयार किया। इस योजना के तहत इंदौर में पिछले 7 दिनों में 51 पौधे लगाए जा चुके हैं। बता दें कि 7 जुलाई से अभियान की शुरुआत की जाएगी जो 14 जुलाई तक चलेगी। इंदौर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अभियान से जुड़े गाने और लोगों के साथ योजना का शुभारंभ कर दिया है। भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है। देश के कई हिस्सों में मानसून की गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी देश के कई जगहों पर गर्मी और हीटवेव का अलर्ट जारी है। कुछ जगहों पर हीटवेव और लू रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस भीषण गर्मी को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिन गर्मी का यही दौर रहेगा। हालांकि उत्तर भारत के कुछ इलाकों में 18 जून के बाद भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। अभी पिछले बार हुए रेल हादसे से लोग उबर भी नहीं पाए थे कि एक और बड़ा रेल हादसा हो गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के रंगापानी स्टेशन पर कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे एक्सप्रेस की 3 बोगियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में 5 लोगों के मरने की भी सूचना है। 25 से 30 लोगों के घायल होने की भी सूचना है। भारत और अमेरिका से हारने के बाद पाकिस्तान की टीम काफी हताश हो गई है। रविवार को आयरलैंड के खिलाफ खेले मैच में भी पाकिस्तान की हालत पस्त थी। बता दें कि इस मैच के दौरान स्थिति यह थी कि लगभग 35 मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल चुकी थी। टीम के साथ बैटर्स पहले ही आउट हो चुके थे, लेकिन अचानक पाकिस्तान की किस्मत पलटी और पूर्वा कप्तान एक्शन में आकर 3 गेंद में ही मैच का रूप पलट लिया, जिससे पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप में दूसरी जीत मिली। इस साल सावन में शिव भक्तों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। बता दें कि सावन शुरू होने से पहले रेलवे संथाल परगना वासियों को एक बड़ी सौगात देने वाली है। रेलवे बोर्ड द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बाबा वैजनाथ धाम से काशी विश्वनाथ धाम के लिए
वंदे भारत ट्रेन देवघर से खोली जाएगी जो गया होते हुए बनारस जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गृह जिला सरायकेला के शहीद ग्राम मतकम बेड़ा में 202 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य वीडियो का अब 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी, साथ ही बिजली से सभी समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। रांची स्थित पहाड़ी मंदिर का दान पेटी खोला गया। इसके बाद मंदिर के सचिव राकेश सिन्हा एवं राजेश साहू बादल सिंह के नेतृत्व में इसकी गिनती की प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई। जब पेटी में जमा नकदी की गिनती गई तो डॉलर एवं दिनार समेत 6,35,231 रुपया निकला। हालांकि गिनती के दौरान कुछ रुपए खराब पाए गए, जिससे RBI से बात कर एक्सचेंज करने पर सहमति बनी।